लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या शिंदे परिवाराची चौकशी सुरू होईल आणि ते स्वतःला वाचवण्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश करतील असा गौप्यस्फोट वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापुरात केला. अपक्ष उमेदवार आतिश मोहन बनसोडे यांना वंचित बहुजन आघाडीने सोलापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी पुरस्कृत केले असून त्यांच्या प्रचारार्थ प्रकाश आंबेडकर यांची सोलापुरात सभा झाली. या विराट सभेला संबोधित करताना प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीची मते ही आमच्या सोबतच राहतील असा विश्वास व्यक्त केला. परंतु मागील लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 2.5 लाख मुस्लिम मते ही काँग्रेसला मिळाली होती. ती मते जर वंचित बहुजन आघाडीला मिळाली तर वंचित भाजपा आणि काँग्रेसला हरवू शकतो. त्यामुळे मुस्लिम समाजाने विचारपूर्वक मतदान करावे असे सांगून काँग्रेस आणि भाजपने देशामध्ये मुस्लिम उमेदवार का दिला नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि देश भर में एक मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया? हार जीत तो अलग बात है, हार जीत तो लोगों के हाथ में है, मतदार के हाथ में है, लेकिन उम्मीदवार देना ये पार्टियों के हाथ में है. पार्टी तय करती है किसको उम्मीदवारी देना किसको उम्मीदवारी नहीं देना. ये आप क्यों नहीं पूछते कांग्रेस वालों को कि भाई आपने एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, महाराष्ट्र में नहीं, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इनकी भूमिका और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कोई अलग है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के बिना यहां पर जीतेंगे, हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है और इसलिए हम इनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, कैंडिडेट नहीं देंगे, उम्मीदवार नहीं देंगे. क्या कांग्रेस उसी लाइन पे जीतने की बात करते हो, बीजेपी को हराने की बात करते? मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कितना है, ये तो आप जानते हैं. बीजेपी को कितने वोट मिले यही आपको पता है. जो पिछली बार कांग्रेस को वोट मिले उसमें करीब करीब 2.5 लाख वोट है मुसलमानों के वोट. कितने वोट मुसलमानों के हैं? 2.5 लाख वोट मुसलमानों के हैं. वही 2.5 लाख वोट अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में मिलाया जाता है तो 5 लाख के वोट होते हैं और बीजेपी को हम लोग हरा सकते हैं, ये बात है. और इसलिए मुस्लिम बोर्ड ने जो ऐलान किया है, कि मुसलमान होकर वोट देना है, किसी पार्टी का प्रचारक होकर वोट नहीं है, उसकी वजह यह है कि हराना और जिताना बीजेपी को यह मुसलमानों के हाथ में. बीजेपी को हराना या जिताना यह मुसलमानों के हाथ में आ चुका है. मैंने इसलिए शुरुआत ही कहा कि कांग्रेस के वोट कहां से बढ़ेंगे? बढ़ना था तो पिछली बार बढ़ता, अब तो घटना ही घटना है. वंचित के वोट वंचित के साथ ही रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं. वंचित के वोट जो है बच्चों के साथ ही यहां पर रहेंगे इसी परिस्थिति. अब आपको तय करना है, अब जो है वो आपको तय करना है, यहां बीजेपी को हराना या जिताना है. सोलापुरातील काँग्रेसचे उमेदवार निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये प्रवेश करतील असा स्पॉट करत प्रकाश आंबेडकर यांनी शिंदे यांनी निवडणुकीत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये देशात आणि विदेशातील संपत्ती लपवली आहे, तसेच त्यांच्यावरील गुन्ह्याचा उल्लेख त्यात नाही, त्यामुळे या निवडणुकीनंतर त्यांची चौकशी सुरू होईल आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांना भाजपशिवाय पर्याय नाही असे आंबेडकर म्हणाले. काँग्रेसचा जो उमेदवार आहे
अपने परिवार के साथ इलेक्शन के बाद कौन बीजेपी में शामिल होगा। किसी एक शख्स ने उनका जो विवरण दिया हुआ एफिडेविट के माध्यम से कहना होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ, एफिडेविट के माध्यम से यह कहना होता है कि आप पर कितने केसेस है या नहीं है, दोनों गलत पता है। देश की भी प्रॉपर्टी नहीं बताई और विदेश की भी प्रॉपर्टी नहीं। इंक्वायरी तो हो, जांच तो हो, अब जांच होगी तो अपने आप को बचाएंगे या वोटर को बचाएंगे, ये अपने आप को बचाएंगे। और अपने आप को बचाने से या आपको बीज डाल देंगे, इतना खराब।